होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम सभी संस्कृत विषय में पाठ 8 अस्माकं पर्यावरणम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अस्माकं पर्यावरणम। स्वस्थ पर्यावरण एव स्वस्थ जीवन से आधार अस्ति। पर्यावरण मानव समाज संतुलन स्वस्थ समाज से विकास होती। असंतुलित विकृत च पर्यावरण मानव स्वास्थ्य अहितकर होती। मृत्सन जलवायु वनस्पति खग कीट पतंग जीव जीवाणु एते पर्यावरण से घटका सन्ति। न केवल भारतीय अपितु तो समस्त भूमंडले प्राकृतिक असंतुलन समुत्पन्न तैर चलितानि यानानि यंत्रणानि च सवकीय धूमय वायुमंडल दृशम प्रदूषयन्ति। वायु प्रदूषण प्रतिक्षण वर्धते। उद्योगशालानां मलिनं जलं नालिका मध्यमें पवित्र गंगा नदी अपि मलिनं कुर्वन्ति। धूम नालिकाभ्यां निसरिता धूम राशि आकाशं दूषयति। अस्त्राणां परीक्षणे समुद्रस्य वातावरण प्रदूषयति। अतः मुख्य रूपेण भूमि जल वायु ध्वनि प्रदूषणानि संचरितानि। स्वस्थ वातावरण पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। पर्यावरण के और मानव समाज के संतुलन से स्वस्थ समाज का विकास होता है। असंतुलित और बिगड़ा हुआ पर्यावरण मानव के अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मिट्टी जल वायु वनस्पति पक्षी कीट पतंग जीवाणु इन्हीं पर्यावरण के भाग है। न केवल भारत में बल्कि समस्त भूमंडल में प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। तेल से चलने वाले यान और यंत्र अपने धुएं से वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण हर क्षण ज्यादा हो रहा है। उद्योगशालाओं का गंदा जल नालियों के माध्यम से पवित्र गंगा नदी को भी गंदा करता है। चिमनियों से निकला हुआ धुआं आकाश को दूषित करता है। अस्त्रों के परीक्षण से समुद्र का वातावरण प्रदूषित होता है। अतः मुख्य रूप से भूमि जल वायु ध्वनि प्रदूषण का संचार हो रहा है। बुद्धिमान भारतीयों ने वायु को शुद्ध करने के लिए हवा नदी किए। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बाग बगीचों का आरोपण किया। वनों को काटने से वृक्षों की कमी होती है, जिनके प्रभाव से अपेक्षा की बारिश नहीं होती, जिससे वन का अभाव बढ़ता है। वृक्षों के अभाव में शुद्ध वायु भी नहीं मिलती। शुद्ध वायु के बिना प्राणी बीमार हो जाता है। इस पाठ में कुछ एक्सरसाइज है और शब्दार्थ भी है, जिसे आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और बुक में भी एक्सरसाइज फिल करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।